ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में जितनी भी गाड़ियां हम लिबर्टी सिटी से लेकर आए थे लॉस सैंटोस कार्गो प्लेन में, वो सारी की सारी गाड़ियों को फ्रैंकलिन में जाकर दोनों ट्रेलर में डाल के अपने न्यू वाले शोरूम में ले आए थे। और उसके बाद भाई अपना न्यू शोरूम काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था, लेकिन वहां से जैसे हम लोग वापस आ रहे थे घर की तरफ में, तब एक बहुत ही बेकार सीन हो गया। मतलब कि लेस्टर का कॉल आता है और लेस्टर बोलता है कि उसके घर से मतलब जो FIB वाले थे ना, सारा का सामान उसका उठा कर ले गए। मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट उसके लैपटॉप कंप्यूटर, उसके सारे के सारे मोबाइल फोन, सारा का सारा सामान उसका उठा कर ले गए थे। लेकिन हमें पता था कि वो सब जो है सारा का सारा सामान है कहां पर, तो वो लोग ह्यूमेन लैब पर ले गए थे। तो वहां पर से हम जल्दी से गए, उनकी जो वैन थी जिसके अंदर सारा का सारा सामान लेकर गए थे वो हम फटाफट से चुरा कर ले आए थे। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर अभी देख पा रहे हो, मेरे घर पर ना कोई भी लैम्बोर्गिनी नहीं खड़ी, कहां हमारे पास दो दो लैम्बोर्गिनी हुआ करती थी। तो अपनी जो लैम्बोर्गिनी सियान है वो हमने ना लेस्टर के घर पर छोड़ दी थी, और जो अपनी लैम्बोर्गिनी टेरसो है जब हम एयरपोर्ट गए थे तो हमने वहां पर छोड़ दी थी। तो भी फटाफट से ना सबसे पहले मुझे दोनों गाड़ियों को वापस लाना पड़ेगा, वरना चोरी होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। और अगर आप घर पर देखोगे तो यहां पर एक ब्लू कलर की वाली कार खड़ी है हमारी पुरानी वाली, ये रेड वाली अमांडा की कार है, और अपनी पीछे फरारी खड़ी हुई है। अब फरारी को मैं इतना ज्यादा चलाता नहीं हूं क्योंकि जो इसका मतलब कि ग्राउंड क्लियरेंस है ना बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मैं इसे ज्यादा यूज नहीं करता। अभी फटाफट ना यहां पर सबसे पहले मुझे जाना होगा एयरपोर्ट। अब यहां पर ना एयरपोर्ट में ट्रोन बाइक से नहीं जाने वाला, मेरा वैसे मन तो बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन फिर पता क्या सीन होगा, एक गाड़ी से जाऊंगा, दूसरी गाड़ी से वापस आ जाऊंगा, फिर अपनी एक गाड़ी वहीं पर रह जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि मेरी सारी की सारी गाड़ियां घर पर हो, तो इसीलिए मैं अपना मेट्रो से जाने वाला हूं यहां पर, ताकि अपना टाइम भी बच जाए और हम जल्दी से पहुंच भी जाए। तो यहां पर फटाफट से अपनी जो ट्रोन बाइक है ना, मैं इसको यहां पर फटाफट से पार्क कर देता हूं। और यहां पर पार्किंग वगैरह कोई ना कोई खाली तो है ना। ओके, तो अभी फटाफट से ना मुझे यहां पर अपनी गाड़ी कहां पार्क करूं। ओके, तो यहां पर जगह दे रखी है अलग से, तो फटाफट से अपनी बाइक को जो यहां पर पार्क कर देते हैं। और यहां पर मैंने ऊपर की तरफ में इसलिए लगाई है, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा सेफ रहती है। बाकी अभी फटाफट से मेट्रो के लिए निकल लेते हैं सामने की तरफ में। ओ भाई साहब, क्या टायर है इस वाली कार का यार। मतलब कि टायर इतने ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इस कार पे काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक क्लिपबोर्ड किसे ले लेकर खड़ा हुआ है भाई साहब बीच रोड में, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अभी फटाफट से चलते नीचे, अपनी जो मेट्रो है सीधा जाती है यहाँ से एयरपोर्ट में, बीच में एक दो स्टेशन आएंगे, काफ़ी टाइम बच जाएगा। अगर वहीं मैं गाड़ी से जाऊँगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं अगर गाड़ी से जाऊँगा, अगर अपनी पर्सनल व्हीकल से जाता हूँ तो फिर वही होगा, एक गाड़ी से जाऊँगा दूसरी गाड़ी से वापस आ जाऊँगा, खाली पीली टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी फटाफट चलते हैं अंदर की तरफ में, और यहाँ पर लिफ्ट वगैरह तो लगा रखी है भाई। चलो गाइस अभी फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ से, बस हमें नीचे है और जल्दी से कोई मेट्रो मेरे को लग रहा है आने वाली है, फटाफट से तुरंत बैठ के निकल लेंगे, सीधा एयरपोर्ट ही जाती है यहां से। तो चलो गाइस यहां पर काफी देर वेट कर रहा था, ज्यादा देर नहीं वेट कर रहा, एक दो मिनट बाद यहां पर अपनी जो मेट्रो है आ चुकी है। मतलब ज्यादा वेट नहीं करता यहां पर लॉस सैंटोस में, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। ओके, तो गाइस अभी फिलहाल खाली है मेट्रो, कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई साहब जी रोक दो, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी इतनी छोटी मेट्रो भाई, ये बाकी प्लेटफॉर्म किस लिए बना रखा है, ऐसी कूदने उदने के लिए बना रखा है तो पहले बता दो। तो चलो गाइस यहां पर फिलहाल फटाफट से हम लोग अंदर एंटर हो गए। ओ भाई साहब यहां पर तो फुल अपना बंदे कॉफी वॉफी लेकर बैठे हुए, और अपनी इंडियन मेट्रो में खाना पीना अलाउड नहीं है। बाकी अगर देखा जाए बाहर से मेट्रो स्टेशन और मेट्रो तो काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अंदर घुसने के बाद तो भाई यहाँ पर तो ट्रेन से भी बुरा हाल है भाई, इतनी बेकार थोड़ी होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल अपनी मेट्रो जो है स्टार्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुझे ना मेट्रो से एयरपोर्ट पहुंचने में ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला। अभी फिलहाल जिस हिसाब से इसकी स्पीड है ना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, हम लोग गलत जगह आ गए। तो चलो गाइस अभी फिलहाल अपना नेक्स्ट स्टेशन जो है आने वाला है, और यहाँ से थोड़े बहुत स्टेशन और है और हम लोग फटाफट से एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे। और शायद से स्टेशन आ गया ना मेरे हिसाब से, वैसे आ गया स्टेशन। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी काफी सारे बंदे खड़े हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग उतरेंगे कुछ लोग चढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कौन चढ़ेगा। बाकी तो मेरा मन कर रहा ना सबको मार कूट के भगा दूं यहाँ पर इस मेट्रो से, लेकिन इतना ज्यादा हर जगह लड़ाई नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत चुपचाप भी रहना चाहिए। और यहाँ पर अपनी मेट्रो जो है रुक चुकी है। तो चलो गाइस यहाँ पर भी फटाफट ना मेट्रो से बाहर निकलते हैं, और मुझे लग रहा था कि मतलब कि जो एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन होगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन यार ये तो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब ऐसा इसलिए होगा कि मतलब जो मैक्सिमम बंदे हैं वो एयरपोर्ट अपने व्हीकल से आते होंगे, और लॉस सैंटोस में ना हर बंदे के पास अपनी अपनी कार होती है, तो मेट्रो वगैरह का ना इतना कम यूज़ नहीं होता। और यहाँ पर ना ये देखो भाई, मतलब कि इतना ज़्यादा कूड़ा फेंक रखा है भाई इन लोगों ने ट्रैक पर। इस मामले में अपनी इंडिया की जो मेट्रो है इससे ज़्यादा बेटर है, इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती ट्रैक पर। बाकी हाँ ये बात है, रेल पर जरूर होती है, मेट्रो में नहीं होती, मेट्रो काफी ज्यादा साफ रहती है। अभी फटाफट ना यहां पर ऊपर की तरफ में चलते हैं, जल्दी से बाहर निकलते हैं अपने मेट्रो स्टेशन से। अभी सबसे पहले मुझे एयरपोर्ट के अंदर एंटर होना है, और यहां पर ना वैसे थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा एयरपोर्ट के लिए। बाकी अगर मैं यहां पर किसी और गाड़ी से आता तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन मेट्रो से आने में मेरा काफी टाइम बच गया। बाकी यहां पर पूरा का पूरा यहां पर मेट्रो स्टेशन जो है ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है, जिस हिसाब से मैं सोच के आया था बहुत भीड़ होगी, बंदे अपना बैग वैग लेकर आ रहे होंगे। तो चलो गाइस अभी फटाफट से थोड़ी बहुत सीढ़ी चढ़कर ऊपर और जाना है, और हम लोग यहां से एग्जिट हो जाएंगे।
बाकी यहाँ पर आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो भाई साहब गोलियां चलाते हुए जा रहे हैं बेलास गैंग के बंदे, और यहाँ पर पुलिस वाले कहाँ जा रहे हैं? अच्छा हुआ पुलिस वाले निकल गए, वरना मेरे को देखते तो दिक्कत हो जाती भाई साहब। मतलब देखो यार, ओ भाई पुलिस वाले को देखो, गिर गया वो गाड़ी से। भाई क्या चल रहा है यहाँ पर? कोई ना गैंग के बंदे गए हैं वो। भाई क्या हो गया? एक सेकेंड भाई, मैं एयरपोर्ट अपना यहाँ पर आराम से चुपचाप आया हूँ, भाई क्या हो गया अभी? तो ये भाई साहब जी मेरे फिलहाल के गाड़ी ही रोक देते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हो पुलिस वाले ना किसी को मारने गए थे, और एयरपोर्ट पे ना काफ़ी ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी है। मतलब कि दो पुलिस वाले ही आ रहे, दो पुलिस वाले इसके पीछे आ रहे हैं। तो चलो यार अभी फटाफट ना यहाँ से निकल लेते हैं। बाकी यार ना कोई गैंग वैंग के बंदे गए थे यहाँ पर अपना गोली चलाते हुए बेमतलब डराने के लिए बंदों को, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले सही टाइम पर आ गए। अभी फटाफट ना मुझे यहाँ पर राइट में एंटर हो जाना है एयरपोर्ट के। अभी मेरे को सामने की तरफ में जाना है जहाँ से मेरे को अपनी गाड़ी लेनी है। बाकी यहाँ पर मेरे को अगर कोई गाड़ी मिल जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक हाथ ना हाथ में हथियार निकाल लेता हूँ, कभी कभार गार्ड जो है ना भाई पकड़ लेता कि अंदर कहाँ जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर अभी गेट ऑटोमेटिकली खुल चुका है क्योंकि यहाँ पर कोई गार्ड था ही नहीं। चलो भाई बहुत बढ़िया। बाकी यहाँ पर ना कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी, अगर कोई गाड़ी खड़ी होती तो मैं सीधा गाड़ी लेकर आगे चले जाता, लेकिन यहाँ पर भी कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी है। ओके ओके, राइट में एक गाड़ी खड़ी हुई है, चाहे जिसकी भी कार हो। अब मैं यहाँ पर इसका शीशा तोड़ के इसे ले जाने वाला हूँ। रुक जा, शीशा दिखाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी। पीछे वाला शीशा नहीं तोड़ना भाई, आगे वाला। तो अभी फटाफट से आगे वाला शीशा तोड़ा, और यहाँ पर अभी फटाफट से हमारी गाड़ी के अंदर एंट्री हो जाएगी। बस ना यहाँ पर ओके, लॉक नहीं लगा रखा था। अगर गाड़ी के अंदर लॉक लगा होता तो गाड़ी का लॉक टूट जाता, लेकिन ना सायरन बजने लग जाता, और अगर सायरन पुलिस वगैरह वाले सुन ले तो दिक्कत हो जाती है। बाकी यहाँ पर अभी मुझे ना सामने की तरफ में जाना, तो डायरेक्ट प्लेन लाइन से मैं नहीं जाने वाला। हो सकता है प्लेन व्लेन आ जाए, वैसे प्लेन आने में इतना टाइम नहीं लगता यार, डायरेक्ट चलो। मैं कुछ ज़्यादा ही कभी ना सेफ्टी पे ध्यान देता हूँ, और कभी कभी बिल्कुल नहीं देता। तो जहाँ पर देना चाहिए वहाँ सेफ्टी पे ध्यान दो, ऐसे फालतू जगह नहीं देना। अभी यहाँ पर जो मेरा कार्गो प्लेन है ना, बारिश वारिश होने की वजह से थोड़ा बहुत साफ हो चुका, वरना गंदा हो गया था काफ़ी ज़्यादा। ओके तो गाइस फाइनली मैं अपनी लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो के पास पहुँच चुका हूँ, और ये जो गाड़ी है ना इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पर पार्क कर देता। अब जिसकी होगी अपना ढूंढ डांड के ले जाएगा, अगर उसने GPS लगा रखा हो तो उसे वैसे मिल जाएगी, वरना उसकी मर्जी है भैया। अभी फटाफट अपनी मैं लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो में बैठता हूँ। हाँ तो मैं चक्कू ले रखा है मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं, किसी से लड़ाई वगैरह होगी तो सीधा उसके पेट में घुसेड़ देंगे चक्कू। बाकी भी गाइस जल्दी से ना यहाँ पर एयरपोर्ट से बाहर निकल लेते हैं। बाकी और सच्ची में लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो का कोई जवाब नहीं है एयरपोर्ट पर। अभी मैं आया हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो स्पीड भी चेक कर ही लेता हूँ कि कितनी टच हो रही है, वरना गाड़ी की सर्विस करवाएंगे और गाड़ी अपना हमेशा की तरह पहले जैसी चलने लग जाएगी। तो चलो गाइस अभी ना यहाँ पर मैं दूसरी वाली प्लेन लाइन पर आ चुका हूँ, जहाँ पर प्लेन वगैरह बहुत कम लैंड होते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर आते भी तो प्राइवेट जेट आते हैं, बाकी बड़े वाली जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं वो इस राइट वाले रनवे पर उतरती है। और अब टाइम आ चुका है अपनी गाड़ी की स्पीड चेक करने का, देखते हैं ये कितनी मैक्स स्पीड टच कर पाती है। अभी फटाफट से ना बस मुझे अपनी गाड़ी में रेस देनी है, ब्रेक और राइट लेफ्ट बिल्कुल नहीं मोड़नी। तो अभी अब बस आप लोग देखते जाओ, यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर एकदम आराम से सेकंड्स में ही पहुँच गई है। बाकी यहाँ पर 400 किलोमीटर पर आवर नहीं पहुँच पाई, वैसे थोड़ा सा अगर ज़्यादा एरिया मिलेगा तो वो भी पहुँच जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यहाँ पर हम ना अभी फटाफट एयरपोर्ट से एग्जिट होते हैं जल्दी से। हमें अपनी मेन जो है गाड़ी मिल गई थी, अभी इस गाड़ी को ना घर पर ले जाकर खड़ा करना है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं टायर्सो के लेने इसलिए आया था क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा महंगी कार है, और यहाँ पर अपनी गाड़ी ठुकी किस चीज़ में भाई मेरे को समझ नहीं आया। चलो खैर जो भी हो, यहाँ पर जिस भी चीज़ में ठुकी पता नहीं कैसे ठुकी, मेरे को फटाफट ना एग्जिट होना है यहाँ से। ओके तो भाई गेट खोल दो। अरे सर हेलो, भाई साहब ये लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? मेरी गाड़ी इतनी छोटी थी कि उसके नीचे से ही निकल गई। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से निकल लेते हैं अपने घर के लिए, उसके बाद मैं जाने वाला हूँ सीधा मतलब कि अपने नए वाले शोरूम में, देख कर आएंगे वहाँ पर क्या सीन चल रहा है। बाकी यहाँ पर यार अपनी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, और यहाँ से मैं अभी गया था पूरा का पूरा एयरपोर्ट खाली एक पड़ा हुआ था, मतलब कि एक भी पैसेंजर नहीं था। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, तो शायद से मेट्रो भी तभी भरती हो जब फ्लाइट का टाइम होता हो, क्योंकि यार बंदे कभी भी आके तो खड़े नहीं हो जाएंगे, जब उनकी फ्लाइट होगी तभी आएंगे ना। तो गाइस सर अभी ना घर पर जाने से पहले मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मतलब कि ना मुझे पहले एक जगह पर जाना पड़ेगा। अब आपको याद होगा जो हमने अपना शोरूम बनवाया था उसके अंदर अपनी सारी की सारी कार्स को ना हम ऑनलाइन बेचेंगे, मतलब वैसा काम नहीं होगा कि बंदे हमारे शोरूम में आके गाड़ियाँ खरीदेंगे, वो सीन नहीं है। बंदे गाड़ियाँ ऑनलाइन बुक करेंगे और हम लोग उन्हें जो है उनके घर पर डिलीवर कर आ जाएंगे या फिर डिलीवर करवा देंगे। तो सबसे पहले उसके लिए ना मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी पड़ेगी, और वेबसाइट बनवाने के लिए मैं अभी फिलहाल यहाँ पर लाइफ इन्वेटर के ऑफिस आया हूँ। इन लोग से बात करते हैं क्या सीन है, और यहाँ पर इतना बड़ा ऑफिस बना लिया, कोई पार्किंग वार्किंग बनाई है कि नहीं बनाई है? मैं गाड़ी का खड़ी करी। ओके तो यहाँ पर पार्किंग बनाई, और मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं खोलने वाला है वाला गेट, मतलब कि यार ये वाला गेट भी पूरा बंद कर रखा है। भाई क्या सीन है, मैं अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर दे रहा हूँ भाड़ में चाहे। तो चलो गाइस खैर जो भी फटाफट से चलते हैं यहाँ पर इनके ऑफिस के अंदर। बाकी तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑफिस है, घटिया ऑफिस कह नहीं सकते, मतलब कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से इन लोगों ने बना रखा है। और यहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा क्या? ये लोग यहाँ पर किस लिए बैठे हुए हैं? ओके तो यहाँ पर फिलहाल मैंने इन लोग से बात तो कर ली, और यहाँ पर भाई साहब दोनों लोग अपना चश्मा लगा के फालतू बातें कर रहे हैं। एक काम करता
करता हूँ, मैं डायरेक्ट जाके मैनेजर से बात कर लेता हूँ, वो आगे ही बात देख लेगा। अपनी बातचीत बहुत है भाई, अगर हाथ में गन है तो सब लोग हमारे अंडर है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर मुझे नीचे वाले फ्लोर पर तो फिलहाल वर्कर्स होंगे मेन, मेरे को ऊपर जाना है अभी। बाकी तो और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना रखा है इन लोगों ने, इसके अंदर मैं गेम खेल सकता हूँ, खेल सकता हूँ, लेकिन अभी हमें खेलेंगे नहीं, अभी फालतू टाइम है नहीं। ओके, तो गाइस यहाँ पर सारे के सारे बंदे बैठ के अपना ऑफिस में काम करने में लगे हुए हैं जल्दी जल्दी से। अब यार मुझे लग रहा था कि इनका बॉस ऊपर वाले फ्लोर पर यहीं कहीं किसी ऑफिस में बैठा होगा, लेकिन यार यहाँ पर ना ही कोई ऑफिस है ना ही इनका बॉस कहीं मुझे नजर आ रहा है। अब फिलहाल सामने की तरफ में ये तो मीटिंग एरिया जो कि पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, और सामने एक रूम है इमेजिनरी रूम, और राइट में एक रूम है फ्री थिंकिंग टैंक, इसके अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पर भी कोई नहीं है। ओके, तो गाइस यहाँ पर इनका जो मेन मैनेजर आराम से खड़े होकर चिल मार रहा, तो अभी फटाफट से इसे डील कर लेते हैं और जो भी इसे पैसे वैसे चाहिए सारे दे देंगे। तो गाइस यार अभी ना मेरी यहाँ पर इसके मैनेजर से बात हो गई है, मैंने इन्हें साफ बोल दिया कि मुझे अपनी वेबसाइट ना सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में पूरी की पूरी रेडी चाहिए, और यहाँ पर उसके बाद बस मैंने यूं करके गन दिखा दी थी। बंदा चुपचाप बैठ के अपने आप काम करने लग गया, बेचारा आराम से यहाँ पर खड़े होकर चिल मार रहा था, लेकिन गाइस अभी काम आ चुका है तो अभी फटाफट से काम करना पड़ेगा। और ये और यहाँ पर इसकी टीम जुट चुकी है काम को करने में, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही घंटे, और यहाँ पर आराम से पिज्जा वीजा खा रहे थे। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल ना एक चीज आप लोग नोटिस करो, हर बंदे के बेंच पे यहाँ पर पिज्जा पड़ा हुआ है और कोई भी बंदा ना खाली नहीं बैठा, जितने भी बंदे आए हैं सारे के सारे बेचारे काम पे लग चुके। तो भाई जल्दी करो, इतना फालतू टाइम है नहीं, वरना यहाँ पर जो पिस्टल है ना मत्थे में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 0.1 सेकंड में ये किसी का भी दिमाग पार कर सकती है, इसीलिए भी जल्दी से सारे बंदे काम पे जुट चुके हैं। और ये वाला गेट कहाँ जा रहा है भाई, एक सेकंड, गेट लॉक तो इन्होंने लॉकड है भाई, सब गेट कुछ इन्होंने लॉक कर रखे हैं, लेकिन अभी बाद में आकर देखेंगे। अभी ना गाइस मुझे यहाँ पर 2 घंटे बाद दोबारा से आने अपनी वेबसाइट चेक करने, और अगर वेबसाइट अच्छी लगेगी तो उसको हम लोग पब्लिक करवा देंगे, फिर वो जो वेबसाइट है सबके फोन सभी के लैपटॉप में भी खुलने लग जाएगी। अभी फटाफट ना यहाँ से बाहर निकलते जल्दी से। बाकी तो यार काफी ज्यादा बढ़िया है यार इनका ऑफिस, लेकिन अभी फिलहाल हम पे इतना टाइम नहीं कि इसका ऑफिस पूरा देखें। और यहाँ पर मैं आया किसी और गेट से था, मैं एग्जिट किसी और गेट से हूँ, चलो कोई नहीं, यहाँ पर मुझे ना पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी तो काफी बढ़िया ऑफिस इन्होंने बना रखा है, तो वही मैं सोचू यार कि इतना बड़ा ऑफिस है और पार्किंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अभी फटाफट चलते हैं आगे की तरफ में, और यहाँ पर ना मुझे एक चीज याद जरूर रखनी है कि 2 घंटे बाद ना यहाँ पर मुझे वापस आना है फटाफट से अपनी वेबसाइट चेक करने के लिए कि वो कैसी बनाई है लोगों ने, बढ़िया बनाई या फिर बेकार बनाई है। अगर बेकार बनाई होगी तो दोबारा से बनवाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर ये वाला गेट मेरे को समझ नहीं आ रहा इन लोगों ने बना के रखा, जब मेन एंट्री वहाँ से होती है और यहाँ पर ना ही कोई गार्ड है ना यहाँ पर पार्किंग का गेट खुलता है, तो ये वाला गेट बना कैसे लगा मुझे ये बताओ। खैर जो भी हो, अभी फटाफट से निकल लेते हैं अपने घर की तरफ में। बाकी यार यहाँ पर आगे तरफ में इतना जैम किस लिए लगा रखा है भाई, क्या बात हो गई, रेड लाइट में इतना जैम भाई, विश्वास नहीं हो रहा। अभी फटाफट से ना एक काम करते हैं, मुझे आगे वाले कट से पूरा पूरा लेफ्ट लेना है और हमारा जो घर है वो आ जाएगा। घर पर चलकर देखते हैं क्या सीन है। इसके बाद ना मैं सीधा शोरूम जाने वाला हूँ, शोरूम में अपनी ट्रॉन बाइक लेकर जाऊंगा, जल्दी पहुंचेंगे। तो गाइस यार यहाँ पर ना अभी मुझे जिम्मी का कॉल आया, और जिम्मी कह रहा है ना कि फटाफट से जल्दी से घर पर आ जाओ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी चलकर देखते हैं ऐसा क्या सीन हुआ। वैसे मैं घर के काफ़ी ज़्यादा पास था और मैं घर पर ही आ रहा था, क्योंकि मुझे अपनी लैम्बोर्गिनी टायर्स जो है अंदर ही पार्क करनी है, और बाकी यहाँ पर हमारा गेट तो खुल चुका है। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं अंदर पार्क करने के लिए, और गाड़ी ना थोड़ी बहुत गंदी हो चुकी है, और इस गाड़ी की यही खास बात है कि अपने आप ठीक कर लेते हैं, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। और यहाँ पर अपनी जो ट्रोन बाइक है फिलहाल वहाँ पर खड़े, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर सेफ रहेगी, कोई नहीं चुरा कर ले जाएगा। तो गाइस यार जैसा कि ना आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, यहाँ पर ट्रेसी तो बैठ के अपना टीवी देख रही है, लेकिन ना यहाँ पर जिम्मी जो है लेट के रो रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया, इससे बात करनी पड़ेगी। बाकी यार अगर आप लोग देखोगे तो पूरे के पूरे उसके पैर में हाथ में मुंह पे खून ही खून लगा हुआ है, लग रहा है इसकी कहीं लड़ाई वड़ाई हुई है। चलो यार इसने पहले बात कर लेते हैं सीन आखिरकार हुआ क्या है। तो गाइस अभी ना मेरी यहाँ पर जिमी से बात होगी, और यहाँ पर जिमी को ना कुछ बंदों ने बहुत ही बुरी तरह मारा है। अब यहाँ पर सीन हुआ क्या था कि जिमी ने एरकेड गया हुआ था, मतलब कि एक वो गेमिंग पार्लर है जहाँ पर ये लोग जाकर अपना गेम खेलते थे, तो जिमी भी अपना वहीं पर गेम खेलने गया हुआ था नॉर्मली। तो वहाँ पर ना कुछ बंदे आए और उनसे ना इसने बैट लगा ली कि अगर मैं ये वाली गेम में तुमसे जीता हूँ तो तुम्हें इतने पैसे देने पड़ेंगे। और वहाँ पर ना जिमी उन लोग से जीत गया, लेकिन उन लोग ने ना इसे पैसे नहीं दिए, तो ये अपना पैसे मांगने लगा उनसे, तो भाई उन्होंने इसे भैया उल्टा बहुत मारा और पैसे भी नहीं दिए। तो यहाँ पर मुझे पैसों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मारा किस लिए वो देखना पड़ेगा। और ये कह रहा था कि वो लोग ना कोई बच्चे नहीं थे, एज में मतलब थोड़े से बड़े लोग थे, इससे बड़े थे जिमी से। बाकी भी चलकर देखते हैं कि है कौन भी, हिम्मत किसकी हुई इतना बेमतलब किसी बंदे को मारने की। अभी चलकर देखते हैं भाई, जाते ही मैं मुंह तोड़ूंगा अगर जो भी हो चाहे, लेकिन अगर कम एज का हुआ तो पहले बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ एरकेड में, जहाँ पर जिमी अपना गेम खेलने आता है। अब शायद से वैसे इसी वाले में आता होगा ना, हाँ वैसे इसी वाले में वो गेम खेलने अपना आया करता है। अभी अंदर चलकर देखते हैं सीन ऐसा हुआ क्या था कि भैया जो बात लड़ाई पर आ गई, और यहाँ पर ये इस टाइम बंद तो नहीं है, नहीं अभी बंद तो नहीं है, अभी फिलहाल अंदर एंटर होते हैं जल्दी से।
तो ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं 8-bit arcade गेमिंग पार्लर के अंदर एंटर हो चुका हूँ और यहाँ पर ना चलकर उन बंदों को ढूंढते हैं जिन्होंने जिमी को बेमतलब में मारा है और उसके पैसे भी उसे नहीं दिए। और यहाँ पर ना भाई काफ़ी बढ़िया इन लोगों ने बना रखा है, काफ़ी अच्छी थीम है और सारे के सारे बंदे यहाँ पर अपना गेम खेलने में फुल मस्त हो रखे हैं। और यहाँ पर दो लोग तो बिल्कुल एकदम परेशान आत्मा है और ये जो लड़की है भाई सब नाच नाच के पागल हो चुकी है। अभी यहाँ पर लग रहा है जीत वीत गई होगी। और यहाँ पर राइट में आप देख पा रहे हो इस गंजे को पता नहीं क्या हो गया भाई, ये पूरा फॉर्म में आ गया है और ये बंदा काफ़ी आराम से खेल रहा है। और यहाँ पर भाई सब ये खड़े वो सब लोग तो शायद, ओ भाई ये तो लॉस्ट गैंग है भाई साहब, द लॉस्ट है ये तो। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और यहाँ पर ना पैसों की गड्डी, ओ भाई मैं समझ गया। तो गाइस ये लोग पता क्या करते हैं, यहाँ पर ना आके बच्चों को लालच देते हैं कि ये देखो अगर तुम ये गेम में जीतोगे तो तुम्हें इतने पैसे देंगे। और जब बंदा जीत जाता है तो उसे 1 रुपया नहीं देते और अगर हार जाता है तो उससे पैसे ले लेते हैं उल्टा। तो यहाँ पर देख रहे हो भाई कितने गलत तरीके से ये लोग पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर पैसे इन्होंने इसीलिए रख रखे हैं लालच देने के लिए। अब यहाँ पर मैं इनका मुँह तोड़ने वाला हूँ, मेरा हो गया क्योंकि मत्था खराब ही रहो भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई किस बात पर तुम उससे लड़े हो, 1 मिनट रुक जाओ पहले ना, सबसे एक बारी मैं बात कर लूँ। भाई उठ तेरी ऐसी की सबसे पहले इसके दूंगा। ओ भाई इसकी ना रोड पर लगी, अरे 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 एक भाई सब मेरा चश्मा उतर गया। 1 मिनट रुक जाओ भाई, किस बात पे लड़ाई कर रहे हो तुम लोग, 1 मिनट रुको भी ना, सबसे पहले डंडा ही बजाऊंगा तेरी तेरी भैंस की, ना गंजे दूर हो भाई साहब। ये गंजा ना कुछ ज़्यादा ही छोड़ में आ रहा है, रुक जाओ बेटा अभी 1v1 कर ले। 1 मिनट रुक जाओ भाई, एक एक बंदे से मैं एक एक करके लड़ूंगा पीछे की तरफ में, इधर आके लड़ तेरी ऐसी की तैसी। अब बोल फालतू, अब बोल इधर आ तेरी भैंस की रंग, मैं कुछ कह नहीं रहा तो बेमतलब छोड़े हो रहे हो। अभी निकालूंगा डंडा, ओ भाई साहब मेरे फिर से रुक जाओ, अभी ना रुक जाओ, डंडा वंडा निकालूंगा तो ये लोग शांत होंगे, वरना भी मैंने गन निकाल दी तो ये लोग वैसे ही भागने वाले। चल तेरी पीछे गन मैं मार दूंगा अपने आप ही, बेचारे डर के मारे भाग जाएंगे, अपनी गन तो ये लोग लेकर आए नहीं है। और यहाँ पर एक बंदा देख लो भैया डर के मारे पागल हो चुका, कहाँ जाएगा, इधर आ तेरी ऐसी की तैसी निकल। ओ सॉरी सॉरी मैंने उसके मार दिया, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, अभी अगर पड़ गया तो पड़ गया कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर इसके अबे 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 भाई साहब ये तो अलग ही चैंपियन हो रहा है भाई, मैं तेरे को नहीं मारना चाहता। अरे भाई गलती से लग गई, अभी पिट पुटा जाएगा अपना गेम खेल ले चुपचाप से आके, मत हाथ चले तेरी भैंस की, मना कर रहा हूँ ना मत हाथ चला मेरे पे भाई साहब, घूसा मार रहा है बेमतलब। और तेरे को कुछ होश आवास नहीं है, तेरे पूरी की पूरी टीम पिट गई, यहाँ पर खड़ा होकर बेचारा ना सबको यू यू चेक कर रहा है भाई किस किस के चोट लगी है कहाँ कहाँ लगी है। तो भाई यहाँ पर आप लोग ना देख पा रहे हो इनके पास कितना पैसा था और इसी पैसे को दिखाकर ना ये लोग हर बंदे को लालच देते थे। और यहाँ पर ये लड़ाई किस बात की होगी भाई इनमें, अबे तुम्हारी फिर से लड़ाई होगी, अभी यहाँ पर मैं एक लड़ाई सोल्व करने आया हूँ, मतलब कि अभी तुम्हारी लड़ाई पहले खत्म करता हूँ। भाई साहब इन्होंने दिमाग खराब कर रखा, किस बात पर लड़ रहे हो बे, बेमतलब इनकी गेम खराब होती है, ये लोग यहाँ पर लड़ने आते हैं क्या करने आते हैं? और ना यहाँ का मैनेजर है कहाँ पर, मेरे को ना मैनेजर से बात करनी है, मतलब कि ये भाई यहाँ लड़ाइयाँ इतनी हो रही है, एक भी बंदा गेम हारता है तो लड़ाई इनकी शुरू हो जाती है। इधर आ गंजे भागे ही जा रहा है, भागे जा रहा है जब से देख रहा हूँ, एक इसको मेरे को पकड़ना पड़ेगा। रुक जा तेरी ऐसी की तैसी, रुक दिमाग खराब कर रहा है। और यहाँ पर एक गंजा फिर से उठ के आ गया, बाहर मत जाइए तेरी भैंस की डंग, इसका सर फाड़ूंगा आज मैं गंजे का, दिमाग खराब कर रहा है मेरा तब से, भागे ही जा रहा है भाई, उठियो मत अब, उठियो मत, ठीक है पहली बता रहा हूँ उठियो मत, अगर उठा तो फिर से एक डंडा पड़ेगा। तो गाइस देखो अभी फिलहाल ना मैंने यहाँ पर एयरकेट के अंदर लाशें बिछा दिया, मतलब कि यार सच्ची में मजाक हो रहेगा भाई, बंदे एकदम आते हैं लड़ने लग जाते हैं बेमतलब ही। और यहाँ पर आप लोग देखो ये जो जितना भी पैसा है ना इन्होंने बच्चों को पागल बनाने के लिए रखा हुआ है, ये लोग क्या करते हैं कि ना उनसे बैट लगाते हैं कि अगर तुम ये वाली गेम जीतोगे तो तुम्हें इतना सारा पैसा मिलेगा। और लालच में आके वो लोग खेल लेते हैं और जब वो लोग हार जाते हैं तो उनसे सारा का सारा पैसा ले लेते हैं, और अगर वो लोग जीत जाते हैं तो ये लोग उन्हें उल्टा मार के भगा देते हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी, फालतू काम कैसे करते हो बे। अभी फिलहाल यहाँ पर उन्होंने लॉस्ट गैंग से भी पंगा ले लिया, बाकी मेरे को नहीं लगता कि इतनी खतरनाक गैंग होगी। बाकी यार यहाँ पर इन्होंने बियर वियर का भी पूरा सेटअप कर रखा, सारी बोतलें फोड़ो भाई इनकी, एक भी बोतल काम नहीं आनी चाहिए भाई साहब, गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर ना इनका मैनेजर का है, मुझे मैनेजर से बात करनी है। तो चलो यार अभी ना थोड़ा सा आगे ही तरफ में चलते हैं, और ये आ गया राइट में मैनेजर का ऑफिस। और यहाँ पर ये क्या चीज़ है, 1 मिनट, ओके तो ये रेडियो था जिसे मैंने ऑफ कर दिया, मुझे कोई सुनने का मन नहीं है। अभी फटाफट चलते हैं मैनेजर के ऑफिस में और बात करना, पता है किस लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यार यहाँ पर अपना बच्चे लोग गेम खेलने आते हैं और इस टाइप के गैंग के बंदे यहाँ पर बैठेंगे उनको लूटने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ है ये। अभी ना एक काम करता हूँ, चलता हूँ इनके मैनेजर के रूम में, कहाँ पर है भाई मैनेजर, बाहर निकालो भाई, यहाँ पर मैनेजर है नहीं। वाओ, और यहाँ पर पीछे की तरफ में इसका लॉकर वगैरह रखा हुआ है, लेकिन मैनेजर है कहाँ पर भाई, यहाँ पर एक रूम हो रहा है। ओके तो ओ भाई साहब ये देखो यहाँ पर खड़े होकर सिगरेट पी रहा है, किस बात पे यहाँ खड़े हो रखा है भाई, एक बार उठ जा उठ जा उठ जा, एक्टिंग मत करियो मरने की, उठ जा तेरी ऐसी की तैसी भैंस की डंग, है बदमाश अलग बन रहा, रुक जा चक्कू एक निकाल के इसको देना पड़ेगा। अबे तेरी भैंस की, ओ अबे भाई अबे 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 ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बदमाश निकला तेरी ऐसे की तैसे, पीछे हट, रुक जाओ ना अभी चक्कू निकाल के ना इसके एक हाथ बजा ही देता हूँ, अगर मैं गन दिखा दूँ, रुक जा भागने कोई जरूरत नहीं है, कहाँ भाग रहा है भाई, 1 मिनट रुक जा, कहाँ भाग रहा है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये अंदर कहाँ चला गया भाई, ये कौन सी जगह है, 1 सेकंड रुक जाओ भाई, ये तो अंदर भाग गया कहीं पर, अभी चलकर देखते हैं क्या सीन है, मेरे को ना कुछ खतरनाक सी जगह लग रही है, अपने वेपन ना अंदर रख लेता हूँ भाई, ये तो कुछ तगड़ी टनल होगी भाई, चुपचाप चलेंगे। बाकी वो जो बंदा था कहाँ चला गया, और सामने की तरफ में टेररिस्ट खड़ा हुआ है भाई, ये टेररिस्ट क्या कर रहे हैं इसके अंदर, 1 सेकंड रुक जाओ भाई, ये तो काफ़ी खतरनाक टनल है भाई, टेररिस्ट क्या कर रहा है इसके अंदर, इसके जाने का वेट कर लेते हैं, वो किसी चीज़ को खड़े होकर देख रहा है, जब वो चले जाएगा मैं तो ही बाहर निकलूंगा।
तो ओके गाइस, अभी ना यहाँ पर खड़े हुए काफी ज्यादा देर हो गई, अभी ना चलकर देखते आखिरकार सीन क्या है। वो जो टेररिस्ट था यहाँ से गया या फिर नहीं गया? अगर नहीं गया होगा तो मैं यहाँ से वापस निकल लूंगा। ओके, तो वो यहाँ से जा चुका है। अभी फटाफट ना मुझे आगे तरफ में जाकर यहाँ पर बैठना पड़ेगा। अभी ना चुपचाप बैठकर यहाँ पर देखते हो, और यहाँ पर अच्छी बात है कोई भी टेररिस्ट नहीं खड़ा था। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इतनी सारी कंप्यूटर स्क्रीन यहाँ पर किस लिए लगा रखी है भाई? यहाँ पर हर स्क्रीन में अलग काम हो रहा है, लेफ्ट वाली स्क्रीन में पता नहीं क्या है। ये ना मेरे को डायमंड का सीन लग रहा है, काफी ज्यादा छोटा दिख रहा है इसलिए मैं क्लियर देख नहीं पा रहा। बाकी अगर आप यहाँ पर देखो तो भाई पूरा का पूरा ये जो लॉस सैंटोस का मैप है इसके अंदर इनकी प्लानिंग चल रही है। और यहाँ पर क्या है भाई, भर के स्क्रीन से लगा रखे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर राइट में चलकर देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पर ना ज्यादा टेररिस्ट नहीं है, और जितने भी टेररिस्ट है काफी ज्यादा छुपे पड़े हैं यहाँ पर। एक हाथ मेरे को दिखा था वो अब गायब भी हो गया, मतलब पूरा का पूरा एरिया ने टनल बना रखी है। मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम एक और बेस में हम घुसे थे ना, इनके आपस में सारे के सारे रास्ते ना कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब कि पता नहीं कैसे इन्होंने ये सब ऐसा कर दिया अकेले। अभी बाकी ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इन्होंने ना गन्स बनाने के लिए यहाँ पर सारे के सारे टूल धरे हुए हैं, और यहाँ पर भी गन्स बनाने के सारे टूल धरे हुए हैं। AKM बन रही है भाई, मेन इनका वेपन ही AKM होता है। और बाकी ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो किसी जगह का मैप है। ओके 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 गाइस, ये डायमंड कैसीनो है भाई, या तो इन लोग की डायमंड कैसीनो में ना पैसा चुराने की। ओके मैं समझ गया, इनका प्लान चल रहा है डायमंड कैसीनो में पैसा चुराना है और पूरा का पूरा डायमंड कैसीनो ब्लास्ट कर देना है। और बाकी ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इन्होंने ना कल रात को लग रहा है यहाँ पर बैठ के प्लानिंग करी और कोका कोला वगैरह पी है, और उसके बाद ये जो बोर्ड है ना इसको उल्टा कर दिया ताकि और कोई बंदा इनकी प्लानिंग ना समझ पाए। भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल ना आगे की तरफ में चलकर देखते हैं भाई यहाँ पर इन्होंने कितनी गहरी मतलब कि सुरंग बना रखी है। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ पर जाकर ये एंड होने वाली है। और गाइस यहाँ पर ना कुछ अपनी गेम खेलने के लिए मशीन्स भी रखी हुई है। और भाई ओके 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 गाइस, तो ये देखो, तो गाइस जैसा कि अभी आप लोग ना सामने की तरफ में देख पा रहे हो ये जो वॉल्ट डोर है ना, मतलब कि जो तिजोरी है ना, मतलब डायमंड कैसीनो की, जहाँ पर उनके सारे के सारे डायमंड गोल्ड सारा का सारा पैसा धरा है उस वाले, मतलब कि फिर ना इस गेट को तोड़ना पड़ता है उसके अंदर एंटर होने के लिए। और यहाँ पर ये जो गेट है ना इन्होंने इसलिए बना रखा है ताकि ये लोग ना प्रैक्टिस कर लेंगे किस तरीके से वाला गेट टूटेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो नीचे इन्होंने ड्रिल मशीन वगैरह रखी हुई है। और यहाँ पर ना ओ भाई साहब, ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पर ना इन्होंने अपना एक सीक्रेट डोर बना रखा है जिसके अंदर हम लोग पासवर्ड डाले बिना या फिर फिंगरप्रिंट लगाए बिना अंदर एंटर नहीं हो सकते भाई। और मेरे को लग रहा है ना सारे के सारे टेररिस्ट ना छुप के इसी के अंदर रहते हैं, तो मुझे यार पासवर्ड तो पता नहीं, यानी कि मैं इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। अभी फटाफट ना थोड़ा सा आगे की तरफ में चलते, और भाई कैसी सी जगह कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये देखो ये जो रास्ता इनका जा रहा है ना, ये सारे के सारे रास्ते ना इन्होंने आपस में अंदर ही अंदर कनेक्ट कर रखा है जितने भी टेररिस्ट हैं उन लोगों ने। तो अभी मैं इस रास्ते में बिल्कुल नहीं जाने वाला, यहाँ से ये लोग अपना आना जाना करते हैं। पीछे की तरफ में भी एक रास्ता इन्होंने दे रखा है इसके अंदर, लेकिन पता नहीं कहां से जाएंगे। और गाइस यहां पर ना राइट की तरफ में क्या पड़ा हुआ था एक चीज मेरे को दिखी है कमाल की। ओके, तो यहां पर तो फिलहाल गन्स वगैरह रखी हुई है, मैप रखा हुआ है पूरा का पूरा डायमंड कैसीनो का। ओके गाइस, यहां पर डायमंड कैसीनो का 3D मॉडल भी रखा हुआ है। अब तो मैं 100% श्योर हूं कि ये लोग डायमंड कैसीनो में रॉबरी और वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग जरूर कर रहे हैं। और यहां पर ये देख लो भाई, ये लोग ना किसी के कार्ड्स भी चुरा कर ले आए ताकि इनकी इजीली अंदर एंट्री हो जाए। भाई बहुत खतरनाक है भाई ये सारे के सारे टेररिस्ट, तो इनका दिमाग भी बहुत ज्यादा जाए। तो मेरे को लग रहा है इनका जो प्लान है ना अभी स्टार्ट हो चुका है या फिर प्लान खत्म होने वाला है। बाकी यहां पर ये देखो, ये इनका रूम है जिसके अंदर ये अपना सोते होते हैं। अभी अच्छी बात ये है कि यहां पर कोई भी टेररिस्ट नहीं है, वरना अभी फाइट हो जाती। जितने भी टेररिस्ट है वो अपना अंदर जा चुके, और मैं उसी चीज का वेट कर रहा था कि ये लोग यहां से अंदर चले जाए तब मैं यहां पर बाहर निकलूंगा। और ये इनकी एक छोटी सी भाई बॉम्ब है, ये मेरे को TNT टाइप कुछ लग रहा है भाई, मैं ऐसे छूने नहीं वाला। बाकी यार यहाँ पर ना आप ये देखो, कोट पैंट इन्होंने रखे हुए हैं। जब ये लोग अपने यहाँ पर रहते हैं ना तो पूरी की पूरी टेररिस्ट वाले यूनिफॉर्म में रहते हैं, और जब ये लोग ना यहाँ से बाहर निकल लें तो कोट पैंट पहन लेते हैं। भाई बहुत तेज फील है ये लोग यार सच्ची में। अभी फटाफट ना मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। अभी ये जो कंप्यूटर वगैरह का सीन है ना, ये मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया, ये लेस्टर का ही समझ आने वाला है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं लेस्टर को जरूर बताने वाला हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि ना इस जगह को मैं तबाह कर दूँ, लेकिन नहीं यार, ये जगह ना अपने काम भी आ सकती है। हो सकता है कि हम लोग इनसे पहले डायमंड कैसीनो की रॉबरी कर ले इनका प्लान यूज करके, तो भी कुछ भी हो सकता है। एक काम करता हूं ना, ये जो जितनी भी जगह है ना फालतू, इसको मैं जलाने वाला हूं भाई। मतलब कि यहां पर ये जो एरकेड है ना किसी काम का नहीं है, तो मैं नहीं चाहता गाइस यहां पर अभी कोई भी बच्चा आकर फंसे भाई इन गैंग वालों से, क्योंकि यहां पर भी मैंने कुछ गैंग के बंदों को मारा। क्या पता कल और कोई गैंग के बंदे आ जाए और यहां पर लड़ाई वड़ाई शुरू कर दे, बेमतलब की लड़ाई यहां पर होती रहती है। तो मैं नहीं चाहता ऐसे किसी भी टाइप की लड़ाई और जिमी यहां पर दोबारा आए, ये चीज मैं नहीं चाहता। तो इस जगह को मैं जलाकर खत्म कर दूंगा, अपना जिमी घर पर ही बैठ के गेम खेलेगा, वो ज्यादा बेटर है।
तो गाइस अभी ना यहाँ पर पूरे के पूरे एरिया में मैंने जो है यहाँ पर पूरा का पूरा ऑयल डाल दिया। अब फटाफट से ना इसके अंदर मैं आग लगाने वाला हूँ जल्दी से, अभी कोई भी फालतू हरकत नहीं होनी चाहिए। चलो गाइस यहाँ पर मैंने जल्दी से इसके अंदर आग लगा दी और मैं ना यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ, कहीं पता चले मैं ना बाहर ही ना निकल पाऊँ। ओके, तो यहाँ पर पूरे में आग लग चुकी है और आग ना काफ़ी ज़्यादा तेज लगी है, सारी मशीन एकदम जलने वाली है, थोड़ा बहुत ब्लास्ट भी हो सकता है। तो अभी अपना जो काम था यहाँ पर हो गया और मैंने मेन आग इसलिए लगाई है क्योंकि मैं नहीं चाहता जिमी यहाँ पर दोबारा आए और दोबारा उसकी किसी और टाइप की लड़ाई और वो पिट कर जाए, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं यहाँ पर 8-bit arcade से बाहर आ चुका हूँ, अपना जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ में। भाई सच्ची में आज मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। पहली बात तो मैंने ना लॉस्ट गैंग वालों से जिमी का बदला ले लिया और दूसरी बात ना काफी ज्यादा बढ़िया जगह मिल गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। देखो मतलब ऐसे कौन विश्वास करेगा, एक छोटे से शॉप के नीचे इतने सारे टेररिस्ट ने अपना सीक्रेट बेस बना रखा है भाई सच्ची में। अच्छा हो कि मैंने उसके मालिक को मार दिया, लेकिन यार वो मरा थोड़ी था, वो तो भाग गया था नीचे की तरफ में। खैर जो भी हो, अभी सबसे पहले ना मुझे उस ऑफिस में जाना है अपनी वेबसाइट के बारे में चेक करने की, जो मेरी वेबसाइट है कंप्लीट हुई या फिर नहीं। बाकी हाँ 2 घंटे हो चुके हैं तो वेबसाइट मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। अगर नहीं कंप्लीट हुई होगी तो फिर मेरे पास गोली है, गोली बजानी पड़ेगी। एक बंदे के हेडशॉट दूंगा अपने आप ही काम 15 मिनट में हो जाएगा। अभी फटाफट से चलते हैं आगे तरफ में। ओके, तो यहाँ पर अभी ना फटाफट से राइट लेना है और लाइफ इन्वेडर वालों का शोरूम जो है सामने की तरफ में आ जाएगा। और भाई साहब कसम से पहले मेरे से ना लैम्बोर्गिनी टैरो बिल्कुल चलती नहीं थी, अब जब से थोड़े दिन से चलाने लग गया ना भाई मेरे से और कोई गाड़ी नहीं चलती, बस लैम्बोर्गिनी टैरो ही चलती है। मतलब कि इसको चलाने का मजा बहुत ज़्यादा आता है भाई सच्ची में। अभी फटाफट से इस गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं और जल्दी चलते हैं लाइफ इन्वेडर के मतलब कि ऑफिस में और देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर, इन लोगों ने काम कंप्लीट करा या फिर नहीं करा रहे। भाई साहब जी बीच रोड में खड़े होने का क्या मतलब है मुझे ये बताओ, साइड वाइड में खड़े हो जाओ अपने आराम से, बीच में खड़ा हो रखा भाई। और बाकी ऊपर चलकर देखते हैं क्या सीन है भाई। यहाँ पर नीचे कॉफी ऑफी बनाने का फुल एकदम इन्होंने रख रखा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑफिस है इनका, मतलब कि यहाँ पर एकदम बढ़िया फील आती है। अभी अंदर चलना पड़ेगा मेरे को सीधा इसके ऑफिस में। तो ओके भाई यहाँ पर अभी भी ये काम कर रहा है। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी फिलहाल ये तो कह रहा है कि तुम्हारी जो वेबसाइट है वो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम बाकी है। एक बार पहले ना मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या इन्होंने काम करा है अभी तक। तो यहाँ पर ये रही अपनी वेबसाइट www.legendarymotorsport.net। अभी यहाँ पर ना ये देखो, ये जो अपनी वेबसाइट है सबसे ऊपर इन्होंने लैम्बोर्गिनी की फोटो लगाई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। जो कि अभी यहाँ पर ना सबसे पहले ना मैंने इनको ये चीज़ बोली थी कि जो जो कार्स अभी मेरे शोरूम में नहीं भी है ना, उन सभी कार्स को वेबसाइट पर डाल दो। अगर कोई बंदा उनका ऑर्डर देता भी है मतलब कि खरीदने के लिए बोलता भी है, तो वो जो गाड़ियाँ हमें कहीं ना कहीं से भी उसे लाकर प्रोवाइड करेंगे। तो भी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो जितने भी कार्स हैं मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसे लोग सिटी में चलाते बहुत है, तो अगर कोई खरीदना चाहेगा तो हमें कहीं ना कहीं से ढूंढ के ला कर देंगे। और बाकी आप लोग ये देखो, ये रही प्रोजेंट T20, ये $2 million की कार है। और बाकी ये जो बाइक है, ये बाइक काफ़ी ज़्यादा महंगे $6 लाख की है। तो गाइस देखो अभी ना मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो आपको याद होगा कि लिबर्टी सिटी से मैंने एक बहुत ही कमाल की विंटेज कार लेकर आया था और वहाँ पर ना उन्होंने मेरे को $2 लाख की पूरी पूरी नई गाड़ी दे दी थी लिबर्टी सिटी वालों ने। अभी ना उन लोग को पता नहीं है कि लॉस सैंटोस में इस कार का कितना ज्यादा प्राइस है। तो यहां पर ना आप लोग नीचे की तरफ में देखो, ये रही भाई वो जेड टाइप इस कार का नाम है। अब यहां पर इस कार का जो प्राइस है ना वो है टोटल $10 million। भाई मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, जो अपनी लैम्बोर्गिनी टैरो है ना वो है $11 million की और ये कार है $10 million भाई सच्ची में। उसके बाद सबसे महंगी कार यही है। तो भी भाई सब कुछ देखो भाई कितना ज्यादा खतरनाक है इस वाली गाड़ी में। ज्यादा कोई खास नहीं है, बस हाँ ये है कि भाई बहुत ज्यादा रॉयल कार है, इसके अंदर सारे के सारे कलर्स अवेलेबल हैं। अभी फटाफट से अच्छा हुआ कि ये वाली कार मैंने वहां से बाय कर ली थी और काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गया है। और आपको एक चीज दिखाऊं, मतलब ये देखो भाई $10 million का ना ये वाला प्लेन भी है भाई, मतलब $10 million का ये प्लेन है और अपनी विंटेज कार इस प्लेन के प्राइस के बराबर है भाई सच्ची में। काफी ज्यादा महंगी हो गई, अगर वाली कार बिकती है ना तो मैं ये वाला प्लेन खरीद लूंगा भाई, काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, गोल्डन अपने पास प्राइवेट जेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने वेबसाइट भी दिखा दिया, तो काफी कुछ एकदम बढ़िया हो चुका है। और यहाँ पर अभी इन्होंने थोड़ी सी पेमेंट वगैरह भी करनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने भाई हमारे लिए जल्दी से वेबसाइट बनाकर दिया है। तो यहाँ पर अभी कह रहा है कि अभी ऑलमोस्ट सारा काम डन हो गया, थोड़ी देर में आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग आपको मेल कर देंगे। अभी फटाफट चलते अपने वापस घर पे। भाई सच्ची मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ना मुझे लेस्टर को बुला लेना चाहिए। लेस्टर को ना उसी जगह पर लेकर चलेंगे टेरेस जहां पर थे और उसे दिखाएंगे कि भाई ये जगह है क्या, यहां से हम लोग क्या डायमंड कैसीनो में रोबरी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। बाकी जो भी है बहुत बढ़िया सीन है। और यहां पर बैठ के बेटा पबजी मत खेलो, ठीक है, पबजी यहां बैठ के नहीं खेलना भाई साहब, इन लोग का वाईफाई कनेक्ट करके पबजी खेल रहा है भाई, अपने घर पे अपना नेट चलाओ। बहुत तेज गुस्सा मार दिया मैंने मजाक में, मैं वैसे ही मजे में मार रहा था, खेल ले भाई पबजी खेल ले, मैं मजाक कर रहा था। अभी फटाफट हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं जल्दी से। ओके गाइस अभी फटाफट चलने वाले हम लोग घर पे क्योंकि मेरे को अपनी ना दूसरी गाड़ी जो लैम्बोर्गिनी है वो भी लेकर आनी है। लेस्टर के घर के बाहर मैंने लास्ट टाइम खड़ी कर दी थी। और गाइस सर अपनी ना ट्रोन बाइक मैं यहीं पर पार्क कर गया था, एक बार ही देख लेता हूँ वो खड़ी है फिर कोई चुरा के भाग गया, चलकर देखना पड़ेगा वरना भैया आजकल गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चोरी हो जाती है। अरे भाई सॉरी बेचारे घुटने में लगी बहुत तेज। अभी
यहाँ पर ओके, तो मेरी ट्रोन बाइक जो यहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ पर किस बात का स्टंट लग जाता है छोटा सा, मुझे तो समझ ही नहीं आता इतनी छोटी जगह में कौन स्टंट मारता है। भी फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ। भाई ये लोग भी कह रहे होंगे भाई कौन अमीर बंदा आ गया, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ पार्क करके चले जाता है। अभी फटाफट से अपनी ट्रोन बाइक उठाकर यहाँ से चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर ना भी मेरे पास थोड़ा बहुत ना फालतू पैसा पड़ा हुआ है, मतलब कि टोटल 1.6 मिलियन डॉलर है और हमारे पास ना कोई भी फोर व्हीलर ढंग की कार नहीं है, मतलब है एक कार लेकिन उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि एक रॉल्स रॉयस ही बाय कर लो यार, एक ढंग की कार होनी चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, मैंने साइकिल की वेबसाइट खोल दी। ओके तो यहाँ पर रॉल्स रॉयस कहाँ चली गई, नीचे चलकर देखते हैं अभी फट। ओके तो ये रही वो रॉल्स रॉयस, इसे मैं बाय कर लेता हूँ, वाइट कलर सोच रहा हूँ बाय करने के लिए। ओके तो गाइस यहाँ पर मैंने इसे बाय कर लिया है, अभी फटाफट से इनकी मेल आ जानी चाहिए मेरे को, एक बार चेक कर लेता हूँ मेल आई या फिर नहीं आई। आ तो जानी चाहिए थी वैसे मेरे हिसाब से, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी की मेल आ रखी है। और यहाँ पर ये बाय नहीं हुई क्या, एक मिनट रुक जाओ, मेरी पेमेंट तो होगी, मैं एक बार ना अपना बैंक चेक कर लूँ यार, पेमेंट तो मैंने कर दी है। रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ पर मेरे पैसे कटे या फिर नहीं कटे। ओके तो मेरे पैसे जो यहाँ पर कट गए और यहाँ पर लिख कर भी आ रहा है भाई, डॉक में सारा का सारा पैसा जा चुका है। अभी ना फटाफट से ना एक बार अपने गैराज में चलकर देखते हैं यार, मेरे को मेल नहीं आई, क्योंकि अगर हम कोई भी कार वगैरह बाय करते हैं ना ऑनलाइन तो मेल आ जाना चाहिए। बाकी ना मेरा एक गैराज है, वो लोग को मैंने बोल रखा है अगर मैं ऑनलाइन जितनी भी गाड़ियाँ बाय करूँ ना उसको मेरे गैराज में डलवा देना। अभी फटाफट से गैराज में चलकर देखते हैं कि उन्होंने हमारी रॉल्स रॉयस डलवाई या फिर नहीं डलवाई। अगर नहीं डलवाई होगी तो मैं इनका मुंह तोड़ दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ भाई, मेरा मत्था खराब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर डलवा दी होगी तो ठीक है भाई, कार का यूज़ करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। बाकी मुझे ना आगे की तरफ से लेफ्ट लेना है और यहाँ पर ना रॉल्स रॉयस मैंने इसीलिए बाय करी है क्योंकि यार मैंने उसको देखा था ना अपने दोस्त को, जब वो एकदम बढ़िया तरीके से मॉडिफाई करवा के कलर करवा कर अपनी रॉल्स रॉयस लाया था ना, तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही थी। इसलिए ना एक रॉयल कार भी अपने पास होनी चाहिए, मेरे पास सुपर कार्स तो काफ़ी सारी होगी बढ़िया बढ़िया, लेकिन एक भी रॉयल कार नहीं है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ अपने शोरूम में, अभी अपनी गाड़ी को यहाँ पर गाड़ी को अंदर ही लेकर चल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर भी फटाफट से गैराज के अंदर एंटर होते हैं और यहाँ पर हम लोग अंदर एंटर हो गए गैराज के। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपने गैराज के अंदर एंटर हो चुका हूँ और शायद से ना मैंने ये वाला गैराज आपको कभी पहले दिखाया नहीं, तो गाइस ये मेरा काफ़ी ज़्यादा पुराना गैराज है। तो गाइस यार इस वाले गैराज में ना मैं काफ़ी पहले आता था, फिर बीच में ना मैंने आना बंद कर दिया, क्योंकि जब मैं अपनी कार्स को अपने घर के आगे खड़ा करता था ना तो भाई घर की एकदम लुक बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती थी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस वाले गैराज में अपनी गाड़ियों को नहीं लाता था। और यहाँ पर ये देखो मैंने पेमेंट करी थी, वाइट कलर की कार इन लोग से मंगाई थी रॉल्स रॉयस और यहाँ पर इन्होंने पहुँचा भी दी। अभी फटाफट से ना अपनी कार को जो है यहाँ से जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं। बाकी यार अगर आप लुक देखो तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अभी गाइस यार आज भी काफ़ी सारा काम हो चुका है तो मैं सोच रहा हूँ कि शोरूम जाने का ना अभी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सबसे पहले मुझे मकैनिक ढूंढने हैं, वहाँ पर मैं शोरूम जाके क्या करूँगा, वहाँ पर भाई शक्ल ले देखने थोड़ी जाऊँगा। जितनी भी कार्स है थोड़ी बहुत स्क्रैच वगैरह लगे पड़े और नॉर्मली खड़ी हुई है। अभी फटाफट से ना इस कार को भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी नहीं करवाने वाला, इस कार को भी मैं नॉर्मली अपने घर पर ले जाके खड़ा करने वाला हूँ। जल्दी से चलते अपने घर पर। और यहाँ पर ना भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है वैसे अगर आप ये वाली कार देखो तो, मतलब बस इसमें वही वाला कलर करवा लूँगा जो कि मेरे दोस्त ने करवा रखा था, वही रेड और वाइट का मिक्सचर, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिक्सचर था वाला। अभी फटाफट ना मुझे आगे से राइट लेनी और हमारा घर आ जाएगा। तो ओके गाइस अभी दोबारा से मेरे को यहाँ से राइट लेनी अंदर की तरफ में। भाई सच्ची में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यार इस टाइप की रॉयल कार को चलाने में। इनकी स्पीड ना काफ़ी ज़्यादा कम होती है लेकिन जो इनके इंटीरियर होते हैं भाई साहब उनकी तो लुक पूछो ही मत भाई, एकदम अलग ही रॉयल फील आती है। अभी फटाफट से ना इस वाली गाड़ी को मैं अंदर पार्क करने वाला हूँ, बस ना मैं कली कल में इसका वही वाला कलर करवा लूँगा जो कि लिबर्टी सिटी में मेरे दोस्त ने करवा रखा था, फिर जो अपनी कार की लुक है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। और ये देखो भाई साहब मैंने आते ही स्क्रैच तो मारा लेकिन स्क्रैच आया है नहीं गाड़ी पर, चलो बढ़िया है। यहाँ पर अभी न्यू मॉडल तो एकदम सब कुछ पूरा बढ़िया तरीके से फिनिशिंग हो रही है, इसलिए स्क्रैच आया नहीं। गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी तो स्क्रैच आएंगे तुरंत। बाकी अब जो अपनी कार है ना भाई काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, $2.5 लाख की थी, ज्यादा महंगी नहीं थी। अब हाँ ये बात है मॉडिफाई करवाएंगे तो थोड़ा सा पैसा और बढ़ जाएगा। अभी फटाफट चलते हैं अंदर की तरफ में। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर बैठ के आराम से टीवी देख रहा था और जो वेबसाइट अभी हम लोगों ने बनाई है ना उस वेबसाइट से मुझे एक नोटिफिकेशन आया और यहाँ पर ना किसी बंदे ने हमारी वेबसाइट से कोई कार ऑर्डर करी है और उस कार का नाम है डिंका जस्टर और ना उसको रेस कार एडिशन चाहिए उसमें। अब यार यहाँ पर जो डिंका जस्टर है ना ये कार हमारे शोरूम में अवेलेबल नहीं है, अब हमें कहीं ना कहीं से तो इसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, वरना अगर मना कर देंगे तो भाई शोरूम की वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमने बोला है हमारे शोरूम में सारी की सारी कार मिल जाती है। अब यहाँ पर ना सबसे पहले उस कार का मैं प्राइस चेक कर लेता हूँ दूसरी वेबसाइट पर, अगर वेबसाइट पर नहीं हुई तो PDM चलकर उससे बात कर लेंगे सेमोन से कि उस कार का प्राइस क्या है। ओके तो यहाँ पर ये दूसरे बंदों की वेबसाइट पर अवेलेबल है और इस कार का जो प्राइस है रेस कार एडिशन का वो चल रहा है $3,50,000। और बाकी आप लोग यहाँ पर कार की जो लुक है वो देख पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कार है और शायद से उसे
उसे ना किसी रेस में ले जानी होगी और वो कह रहा है कि मतलब कि ना मुझे एक से दो दिन के अंदर ये वाली कार चाहिए, ज़्यादा लेट मत करना, तो अभी फटाफट से ना ये वाली कार मुझे लेकर आनी पड़ेगी। अगर देखो भाई इस कार कहीं से नहीं मिलेगी ना तो मैं इनकी वेबसाइट से $3.5 लाख की खरीदूंगा और उस बंदे को भी $3.5 लाख की भेज दूंगा या फिर और कम की भेज देंगे, खुद लॉस झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी फटाफट चलते हैं आगे की तरफ में। और ये यहाँ पर जिमी कहाँ बाहर घूम रहा है, अभी पिटकर आया था बाहर घूम रहा साइकिल पर, चलो कोई नहीं, फिलहाल भाई बच्चों का तो यही होता है, एक दिन पिटते एक दिन खेलते हैं। तो गाइस यार अभी ना मैं फटाफट से सबसे पहले जाने वाला हूँ उसी भंगार वाली शॉप पर। आपको याद होगा जब हम लास्ट टाइम गए थे तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि स्टील के बदले तुम्हें कुछ पैसा मिलेगा और उनके पास ना काफ़ी सारी डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स थी, तो हो सकता है क्या पता उनके पास डिंग का जस्टर भी हो, तो चलकर देखते हैं क्या सीन है। अब वहाँ ये सीन था कि मेरी ने उनसे बेमतलब लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई तो हुई थी साथ में उन्हें पीट कर आया था उल्टा। तो यहाँ पर अभी चलकर देखते हैं उनसे दोस्ती होती है या फिर नहीं होती, बात करके मना लेंगे भाई, क्योंकि पैसों के दम पर सारे काम कर लेते हैं और हम लोग पैसा देने के लिए रेडी है। अब यहाँ से ना मान लो मैं उनसे $50,000 की वो कार की बॉडी खरीदता हूँ, उसके बाद इंजन वगैरह लगवाते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो पूरी कार से ना मॉडिफाइड करवा के मेरे हिसाब से $1-1.5 लाख की पड़ेगी और उस बंदे को हम ना $3 लाख की बेच देंगे जिसने हमारे शोरूम से ऑर्डर करिया। और बाकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि हमने ना साफ लिखा होगा कि तुम्हें ना बाकी शोरूम से कम प्राइस में हम लोग गाड़ी ला कर देंगे और यहाँ पर इससे हमें भी प्रॉफिट होगा और उस बंदे को भी प्रॉफिट होगा। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ और वहाँ पर चलकर देखते हैं क्या सीन है। मतलब कि जब मैं ना लास्ट टाइम आया था तो मैं फ्रैंकलिन को लेकर आया था, उस बंदे ने ना मैंने उससे बात करी, उसको पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ा, उसने पिस्टल निकाली और भाई फ्रैंकलिन ने सीधा उसके AKM बजा दी। मतलब सोचा तक नहीं फ्रैंकलिन ने कि उसने पिस्टल किस लिए निकाली है। और यहाँ पर ना सामने की तरफ में कुछ बंदे खड़े, तो अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर पार्क करता हूँ और अपनी रॉल्स यार यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो चलो यार इनसे जल्दी से बात करते हैं। और इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये देखो इनके पास ना काफ़ी सारी डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स रहती हैं भाई, एक से बढ़कर एक पूरा भरा पड़ा है इनका जो एरिया है ना, इसमें गाड़ियाँ भरी पड़ी है। इनसे बात कर देखते हैं क्या सीन है, अपना सिगरेट पीने में मस्त है। तो सर मुझे गाड़ी चाहिए थी। ओके भाई क्या हो जाता है इनको भी, मतलब उल्टे तरीके से क्यों बात कर रहे हो भाई, अबे अभी किस बात पे दिक्कत होगी भाई तुम्हें, उल्टे तरीके से क्यों बात कर रहे हो, पहले मेरे को ये बताओ भाई मैंने कुछ बोला है, एक मिनट रुक जाओ भाई, बेमतलब चोड़े हो रहे हैं। अबे चाकू निकाल, तेरी भैंस की टांग, अबे चाकू निकाल दिया भाई, मैं गन निकाल दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं गन निकाल दूंगा, रुक जा यार मैं गन चलाने नहीं चाहता। और भाई सामने से काफी सारे बंदे इन्होंने भेज दिए तुम्हारी भैंस के ना, कुछ कहा है आज मैंने कुछ भी नहीं कहा भाई, मैं अकेले आऊँ तमीज में बात करने, लेकिन इनको चिड़ पता नहीं किस बात से मेरे से, तो शायद से ना मुझे लगता है कि ये ना मेरे को जानते हैं, मतलब कि इन्हें पता है कि माइकल जो है यहाँ का बदमाश है, इसलिए ना आते इससे लड़ने लग जाते हैं। बेटा मैं रॉकेट लॉन्चर घुसेड़ दूंगा, फटाफट निकल ले पिछवाड़े पर रॉकेट लॉन्चर पड़ेगा, वरना भग रुक जा, एक काम करता हूँ ना, तू रुक जा तेरा काम है मेरे को, तू रुक जा। ओहो अबे गन कैसे, तेरी भैंस की गन कैसे निकाल रहा है भाई, एक मिनट रुक जाओ, उठियो मत भाई, गन तो इसके पास भी थी लेकिन बेचारा रॉकेट लॉन्चर देख के हवा टाइट होगी ना, इसीलिए कह रहा था चुपचाप मेरे आगे रहा करो। तो भाई यार देखो इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, इनका जो मतलब कि पूरा का पूरा एरिया है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स ही मिलने वाले हैं। देखो ट्रक पड़ा हुआ है पीछे, ट्रेन के डिब्बे पड़े हुए हैं, यहाँ पर एक ट्रक पड़ा हुआ है, तो मुझे ना इन्हीं के किसी बंदे से बात करनी पड़ेगी, इन्होंने सुपर कार्स का एरिया कहाँ पर बना रखा है। अभी फटाफट ना ऊपर चलकर देखते हैं, अभी जो बाहर की तरफ में ना जितने भी टैंक हो गए ट्रक हो गए ये सारे के सारे हैं, बाकी सुपर कार्स मेरे को नहीं नजर आ रही। और यहाँ पर ना अभी मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया और यहाँ पर आगे चलकर देखते हैं क्या सीन है। बाकी तो यार यहाँ पर कोई भी बंदा दिख नहीं रहा काम का, पता नहीं लड़ने किसे लग जाते हो। ओके तो नीचे कुछ लोग खड़े हैं, अभी यहाँ पर ना डंडा अंदर रख लेता हूँ, इनसे आराम से बात करेंगे, और इन्होंने बदतमीजी करी तो मैं फिर इन्हें मारूंगा भाई, बेमतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा बदतमीजी क्यों कर रहे हो, और रॉकेट लॉन्चर के मैंने बाहर निकाल रखा है। हेलो सर एक बात बताओ, ये बंदा थोड़ा बढ़िया लग रहा है मेरे को। ओके तो चलो गाइस यहाँ पर ना अभी फिलहाल मेरी इस बंदे से बात होगी और ये कह रहा है कि ना तुम मेरे पीछे पीछे आओ और यहाँ से जो भी तुम गाड़ियाँ खरीदोगे चाहे कोई भी हो किसी को बताना मत कि तुमने कहाँ से खरीदी है। अब पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, शायद से ना ये लोग पुलिस वालों से ना छुप के ये काम करते हैं। बाकी खैर जो भी हो भी चलकर देखते हैं क्या सीन है वहाँ पर, इनके पास कौन कौन सी कार्स मेरे को मिलने वाली है। बाकी ना यहाँ पर सारे के सारे बंदे ना एकदम घटिया है, मतलब कि उन लोग से सुपर कार्स की अगर बात कर लो इतनी सी कि भाई मुझे सुपर कार चाहिए तो भाई सीधा पिस्टल निकाल लेंगे, डंडा निकाल लेंगे, चाकू निकाल लेंगे, डराने लग जाते हैं भगाने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं कि हमारे पास पिस्टल वगैरह सब कुछ है। अब ये बंदा तो भाई शक्ल से तो मेरे को लग रहा था कि हाँ भी थोड़ा इनसे ढंग का बंदा है, बाकी मुझे भी ना इस पर 100% मतलब कि वो नहीं श्योर नहीं होगी सही जगह पर ले जा रहा है, क्या पता वहाँ ले आके खूब सारे गुंडे वुंडे खड़े कर रखे हो और चक्कू वक्कू अलग मार दो। तो यहाँ पर मैं इससे पूरा बात करते हुए चल रहा हूँ कि भैया क्या सीन है बताते हो चल। तो भाई यार एक तो ना मुझे इसके चलने का स्टाइल इतना ज़्यादा बेकार लग रहा है ना, मतलब देखो पैर कहाँ जा रहा है, कंधा कहाँ जा रहा है, फुल एकदम डॉन की तरह चल रहा है, बाकी कपड़े वपड़े भी इसने एकदम डॉन वाले पहन रखे, मतलब कि ये लग रहा है यहाँ का हेड वगैरह होगा। बाकी यार जो भी है काफ़ी ज़्यादा समझदार बंदा है, और ये अभी मेरे को पता नहीं यार कहाँ पर लेकर आया, फिलहाल यहाँ पर भी कोई ढंग की गाड़ी वाड़ी मेरे को नज़र तो आ नहीं रही है, फिलहाल चल कर देखते हैं आगे क्या पता खड़ी हो। बाकी ना ये थोड़ी सी सीक्रेट सी जगह है, तो यहाँ पर है क्या कोई कार, यहाँ भी कोई कार नहीं है। भाई कहाँ ले जाना चाहते हो, बदमाश सुन, ओ भाई साहब ये खड़ी, ये तो फिलहाल कौन सी कार थी मैं भूल
मिल गया यार, ये एक बार लेस्टर ने मेरे को दिखाई थी। बाकी गाइस यहाँ पर काफ़ी सारी सुपर कार्स खड़ी हुई हैं टूटी फूटी, लेकिन ना ये ज़्यादा टूटी फूटी नहीं है, मतलब कि ये देखो ये भी बेकार है थोड़ी सी, और वो अपना वहाँ पर खड़ा हो चुका है, कह रहा है जो गाड़ी तुम्हें चाहिए देख लो और उसका प्राइस ये लोग बता देंगे। बाकी यहाँ पर कार ना मैं एक स्टार्ट कर देखता हूँ, ये तो भाई साहब काफ़ी बढ़िया ऑडी जैसी लुक है इस कार की। यहाँ पर इसे स्टार्ट करते हैं, ओ भाई यहाँ पर गाड़ी पूरी ओके है भाई, इसका इंजन एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे लिए जो चाहिए थी डिंका जस्टर, वो यहाँ पर है या फिर नहीं है। बाकी यहाँ पर हर कार की ना धजिया थोड़ी सी उड़ी पड़ी है, किसी का गेट नहीं है, शीशे टूटे हुए हैं। बाकी ये जो कार है ना, हाँ इस कार का नाम था अकूमा। हाँ एक बार चेक करता हूँ, ये कार ना गाइस पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ कार है और ये डबल सीटर है। हाँ इस कार का नाम क्या था, एक सेकंड, अकूमा नहीं यार, एनएस करके कुछ है, चलो कोई नहीं, खैर जो भी हो बढ़िया है। और यहाँ पर ये कौन सी, एक बार इस कार में बैठ कर देखते हैं, डिंका जस्टर जैसे लग तो रही है, नाम पढ़ते हैं। ओके गाइस यही है डिंका जस्टर, लेकिन यार ये ना रेस कार एडिशन नहीं है। अब यहाँ पर ओ भाई साहब यहाँ पर मैंने इसके शीशे तोड़ दिए, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं ना। एक बार अपनी गाड़ी को ना मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ। बाकी भाई साहब पूरी की पूरी गाड़ी का इंजन तो ओके है भाई, मेन होता है इंजन, गाड़ी का इंजन पूरा का पूरा ओके है, बस हमें ना गाड़ी की गेट वेट एकदम ठीक करवाने हैं। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मेरे को कार तो एकदम बढ़िया मिल चुकी है, और यहाँ पर ना इसका प्राइस पता कर लेते हैं कितना। और वो बंदा कहाँ चला गया यार, अभी तो फिलहाल वो यहीं पर खड़ा हुआ था, अभी पता नहीं कहाँ पर चला गया, अभी बाहर अपनी गाड़ी निकालते हैं, मैं भाई फ्री में लेकर ही निकल जाऊँगा। और यहाँ पर यार गाड़ी के टायर भी पंचर हो रखे यार पूरे के पूरे, तो अभी फिलहाल ना यहाँ से मैं गाड़ी अपनी बाहर निकालता हूँ। बाकी ना यहाँ पर मैंने जो बंदे मारे थे ना, वो लोग बेचारे अपना ले गए, लग रहे उन्हें हॉस्पिटल। बाकी यहाँ पर पीछे वाला टायर निकल ही गया, मुझे लग ही रहा था वो काफ़ी ज़्यादा कच्चा सा हो रखा था। अभी यहाँ पर फटाफट ना गाड़ी को मैं वहीं पर लेकर चलता हूँ, पता करते हैं प्राइस कितना, और मैं जल्दी से इसकी पेमेंट करूँ और यहाँ से निकलूँ। भाई मैं नहीं चाहता फ्री में ले जाना, और भाई यहाँ पर वो बंदा नहीं खड़ा, जब पहले आया था तो वो यहीं पर खड़ा होता। बाकी ये लोग देख के मेरे को चिढ़ेंगे तो नहीं ना कि भैया ये गाड़ी लेकर का चाह रहा है, और ये क्या होगा भाई दोनों टायर निकल गए भाई, धीरे धीरे लग रहा है पूरी की पूरी गाड़ी उधड़ जाएगी। अभी फिलहाल मैं सामने की तरफ में आ गया हूँ, तो ओके गाइस यहाँ पर वो बंदा तो खड़ा हुआ है। अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर पार्क करता हूँ और चल करने से बात कर लेते हैं, गन अपने अंदर रख लेता हूँ, क्या सीन है इससे मैं बात कर लूँ, फोन पर बात कर रहा है वैसे वो भाई, ये पता नहीं क्यों मेरे से चेप हो रहा, मेरे को उससे बात करनी है, वो फोन पर बात कर ले, मैं उससे बात कर आया हूँ। भाई यहाँ पर इसको क्या हो गया भाई, तुम बात बात पर गन किस लिए निकाल ले, तो मैं जा रहा हूँ अभी चला भाई, तुम्हारी भैंस के टंग, मैंने कुछ कहा आज भाई साहब, मैंने कुछ भी नहीं कहा, और इधर आ तू, इधर आ, तेरे को कब से बोल रहा हूँ, मेरे से फ़ोन पे बात करने में लगा पड़ा है अपनी, भाई साहब बेमतलब मार देते हैं भाई ये लोग तो, इधर आ, इसकी भैंस की टंग, इसका कुत्ता भरूंगा पहले मैं, इसका आज थोड़ा सा ना कुत्ता भर के ही चलेंगे, तेरी भैंस की, कुछ कहा था तेरे को मैंने, भाई बेमतलब मेरे को मार रहा है। अभी फटाफट से ना इनकी गाड़ी में फ्री में ले जाने वाला हूँ भाई, अच्छा खासा मैं इनकी पेमेंट करने आया था आगे तरफ में। बाकी गाड़ी की ना बिल्कुल ऐसी की तैसी हो रखी है, आगे वाला एक टायर ही ठीक है, वो लो भाई वो भी गया, चारों टायर पंचर हो गए। और यहाँ पर तुम इधर आओ सालो, डेली दिमाग खराब कर रखा तुम लोगों ने, यहाँ पर मैं आता हूँ पेमेंट करने, तमीज़ से बात करने, अब ना इनसे तमीज़ से मैं इसलिए बात करने आता हूँ ना क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ना इनसे थोड़ी बहुत पार्टनरशिप हो जाए, तो हमारे को ना अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यार ये लोग ना सीधा लड़ने लग जाते हैं, तो यहाँ पर मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनसे पार्टनरशिप कैसे करूँगा, क्योंकि यार इनकी ना टीम काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर ये सारी सारी गाड़ियाँ ले आते हैं लॉस सेंटर्स की। अभी यहाँ पर ना अपनी जो रॉल्स रॉयस को मैं फटाफट यहाँ से पहले बाहर निकाल लेता हूँ, कहीं पता चले ये लोग भी इसे अपने भंगार में बेच दें, तो ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अपनी रॉल्स को मैं आराम से यहाँ पर बाहर निकालूंगा और कहीं पर ले आकर पार्क करेंगे। और ये जो भी मैंने गाड़ी चुराई है डिंका जस्टर, इसको लेकर चलेंगे अपने नए वाले शोरूम में, और वहाँ पर ले जाकर ना ओके, तो अपनी गाड़ी मैं सबसे पहले देख लेता हूँ यार, कहीं ना कहीं तो मुझे खड़ी कर आनी पड़ेगी। यहाँ पर फिलहाल पार्किंग तो होती है, लेकिन आज यार मेरे को कोई भी पार्किंग नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर एक गली है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पार्क कर देते हैं, बाद में आकर ले जाएंगे। अभी यार सच्ची में बहुत ज़्यादा कलेश हो चुका है, मेरी सारी गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ पर पार्क है, मुझे याद ही नहीं है। अपनी लैम्बोर्गिनी लेस्टर के घर के बाहर है, लैम्बोर्गिनी सियान वहाँ पर बीच रस्ते में मैंने एक जगह पार्किंग मिली थी छोटी सी, वहाँ पार्क कर रखी है, और अपनी रोल्स मैंने यहाँ पार्क कर दी है। एक वही है ट्रॉन बाइक जो कि मेरे गैराज में पड़ी है, और एक फरारी घर पे पड़ी है बस, बाकी सारी की सारी गाड़ियाँ इधर उधर घूम रही है। अभी फिलहाल यहाँ पर मेरे को डिंका जस्टर मिल चुकी है, और भाई अभी फटाफट से इसे लेकर चलते हैं। मैं सोच रहा था इसके पैसे हम लोग देंगे, लेकिन भाई अभी पैसे देने ही नहीं पड़े भाई, फटाफट से हम लोग इसे फ्री में ही चुरा कर ले आए। तो चलो गाइस यार अभी फटाफट से इस कार को मैं अपने शोरूम में लेकर जाने वाला हूँ, वहाँ पर ले जाकर इस कार को पूरा का पूरा मॉडिफाई करवाएंगे, और जैसे ही वो रेस कार एडिशन है ना उसको उसी एडिशन में कन्वर्ट करवाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा हमें इसके पैसे बच जाएंगे, कार भी फ्री में आ गई, और यहाँ पर मेरे हिसाब से $50,000 की मॉडिफिकेशन हो जाएगी, और उस बंदे को हम लोग ये गाड़ी $3,00,000 की बेच देंगे, मतलब यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है इस बिजनेस में। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट इस वीडियो जाकर लाइक कर दो, इस वीडियो पर एम करते हैं ओनली 5 लाख लाइक के, तो मुझे पूरी उम्मीद आप लोग कंप्लीट कर दोगे। और जो लोग भी चैनल पर नहीं हो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जल्दी से जाओ नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है रेड कलर का उसे दबा दो, और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा फॉलो कर लेना, और डिस्कॉर्ड पर मेरे से बात करने के लिए आप मेरा सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलो यार आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।